स्टेटस ये है कि हम तकरीबन 90% फिल्म शूट कर चुके हैं, और ये सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है, हम एनिमेशन फिल्म बना रहे हैं और हम शूटिंग कर रहे हैं। वैसे हम काफ़ी ऐसी चीज़ें करते रहे हैं जो दुनिया में पहली बार नई हुई हैं, जैसे हमने वन टेक में 90 मिनट्स फिल्म बनाई थी, जैसे 2 एक्टर्स पोर्ट्रेट 22 कैरेक्टर्स इन 1 मिनट स्टोरी कान फिल्म फेस्टिवल उसका। तो अभी नंदी द सेवियर जो है वो जो एक इट्स ए सुपर हीरो फिल्म, और क्योंकि एनिमेशन फिल्मों की जो है वो प्रोसेस बहुत टीडियस है, लंबी प्रोसेस है, रेंडरिंग टाइम्स और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और क्वालिटी अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा समय और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो आई हैड दिस आइडिया इन माई माइंड कि हम किस ढंग से एनिमेशन को रियल लाइफ एक्टर्स के जरिए अचीव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द मोशन ट्रैकिंग, जो डॉट्स लगा के हम देखते हैं, सब मोशन कैप्चर किया जाता है। तो क्योंकि थिएटर का बैकग्राउंड है तो उस कारण से अपने एक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेस कर पाए हम कैरेक्टर्स को और स्टोरी को। तो इस वजह से ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है एक लाइव एक्टर्स की परफॉर्मेंस का और टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी हमने कोई नई ईजाद नहीं की है, बेसिकली एक बहुत देसी भाषा में समझें तो जैसे दुनिया में एक वक्त पे पाव भाजी नहीं थी, लेकिन आलू शिमला मिर्च टमाटर मटर सारे मसाले थे, और एक दिन इन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पाव भाजी बन गई। तो ऐसे ही हम टेक्नोलॉजी का ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं इस एनिमेशन फिल्म को अचीव करने के लिए। हालांकि बहुत अभी इनिशियल स्टेज में है, हमने अपने टेस्ट सक्सेसफुली कर लिए हैं और 90 मिनट्स अभी हम 90% ऑफ द फिल्म शूट भी कर चुके हैं। तो इसकी लुक जो है वो 2D के आसपास होगी, जैसे ग्राफिक नॉवल्स हम देखते हैं, समझिए कि जैसे मूविंग ग्राफिक नॉवल हो, लेकिन ट्रीटमेंट जो 3D है, जस्ट लाइक ए फिल्म कि कैमरा है, क्रेन है, मूविंग है। तो एक नई तरह का जॉनर क्रिएट हो रहा है, जैसे 2.5D जैसा एक नई तरह का जॉनर इसमें क्रिएट हो रहा है। हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं 2.5D, जैसे ऐसा कोई जॉनर नहीं है दुनिया में, लेकिन यस लुक वो है और ट्रीटमेंट 3D की है। आलोक कपूर, थिएटर बैकग्राउंड है मेरा, और सुनील प्रेम व्यास जी से मेरा पुराना जुड़ाव है, इनकी फिल्म गांधी जमी पे टेक इट ईजी जो बहुत चर्चित रही फिल्म, उसमें भी मैं था, और इसमें मैं एक रॉ चीफ का रोल कर रहा हूँ, और मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि सुनील जी ने मुझे इस रोल के लिए चुना, और मैं लकी समझता हूँ कि एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ जिसके बहुत विज़न है और बहुत अच्छे, खुद भी वो राइटर भी हैं, स्टोरी वो उनकी ही है, और ये सिर्फ एक VFX फिल्म इसको नहीं कह सकते, फिल्म जो है वो इस पूरे स्टोरी को लेके चलती है, मतलब आपको फिल्म में हर सीक्वेंस के बाद लगेगा अगला सीक्वेंस क्या। आप VFX के इफेक्ट से भी अचंभित होते रहेंगे और स्टोरी के प्रवाह में, कहानी के प्रवाह में आप बहते चले जाएंगे। जो हम लाइव कैरेक्टर जो कर रहे हैं उसमें हम एनिमेशन दिखाने वाले हैं, एनिमेशन के माध्यम से हम ये प्रेजेंट करने वाले हैं। ऐसा ये पहली बार हो रहा है, हम पहली बार कर रहे हैं इस कैरेक्टर को। जो इस फिल्म में जो कैरेक्टर है जो मेरा प्रोफेसर का है, और ये प्रोफेसर एक साइंटिस्ट है और एक गैजेट के बारे में, गैजेट को लेके काफ़ी लोग सर्चिंग में लगे रहते हैं कि किस तरह का नयापन इस तरह। और एज़ एक्टर मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने बहुत नएपन से, बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से अपने किरदार को निभाया है जो आपको कहीं कहीं कॉमिक रिलीफ भी देगा। और फिल्म के बारे में यही है कि बहुत ही यूनिक फिल्म है ये अपने आप में, एक मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की पहली फिल्म होगी जो हम इस मेथड पे बना रहे हैं। प्रेम व्यास जी जो डायरेक्टर हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, तो बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन हैं। तो उन्होंने मेथड तलाशा और जिसका खुलासा बाद में जब लोग फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा इनपुट है इस फिल्म में, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। जो इन्होंने बाइक बनाया है, इन्होंने शिव मूर्ति बनाई, जिसने भी मतलब पार्ट है आर्ट डायरेक्शन के, इन्होंने इतना यूनिक बनाया है कि अगर कोई फिल्म देखेगा तो शायद सर्च करेगा कि कहाँ देखेंगे कि इन्होंने मास्क बनाया है, इन्होंने कॉस्ट्यूम बनाया है जो हमारे सुपरमैन के, बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तलाशते हैं। लेकिन इन्होंने मतलब 2 महीने में वो भी थर्माकोल और बाकी टूटी फूटी चीज़ों से ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी है जो हम अगर खरीदते तो हमारा बजट नहीं था शायद उतना। तेरे में रोशनी जब सूरज की होती तो हम चमकते और तारे कहलाते, वो इनकी वजह से, ओम सर की वजह से या फिर सुनील सर की वजह से। हम लोग काम करते हैं, हमें मौका मिलता है तभी हम कुछ कर पाते हैं मदारी की तरह,
खेल दिखा दिया तभी टोपी में पैसा गिरेगा, तो वही है हमें दिखाने का मौका। सर नमस्कार, मेरा नाम अक्षय सोमटके है। इस फिल्म में मैं रंजाबुक कर रहा हूँ। ये ऐसा है कि भैराज जो लीड हैं, विलन जो कर रहे हैं अभिजीत भैया, उनके बेटे हैं, मैं उनका बेटा हूँ, और जो किरबेता है एक जो मेरी है वो मेरी सिस्टर बनी हुई है। फिल्म के बारे में देखा जाए तो वर्ल्ड में, जैसा कि मैम ने कहा, वर्ल्ड में सबसे पहली फिल्म बन रही है, ये एनिमेशन फिल्म बन रही है एक्टर्स को लेके। तो आप इस फिल्म को अगर देखेंगे तो मैं बिल्कुल ये बता नहीं सकता कि मैं शूट जो कर रहा हूँ वो कितना बेहतरीन शूट कर रहा हूँ, और सुनील सर की क्या बात है। वैसे मैं सुनील सर के साथ ये पहला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जैसा मैंने उनको देखा है इन पिछले इन सारे शूट्स में, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर हैं, और सर के बारे में मैं जितना बोलूं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि आप उनसे जब मिलेंगे, जब आपका उनके साथ इंटरेक्शन होगा तो आप खुद ये बात बोलेंगे। मैं तो क्या ही बोल सकता हूं उनके बारे में, और सर का एक्सपीरियंस, सर इतने साल से इंडस्ट्री में हैं तो उनके बारे में। तो ये इस तरह से अलग है क्योंकि आज तक पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, नंदी जी के ऊपर कोई मूवी बनी नहीं है, तो इस तरह से ये डिफरेंट है। और एज एन एक्टर इट वॉज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर मी टू प्ले सुपर हीरो, तो इसमें मुझे ये मौका मिला है सुपर हीरो पोर्ट्रे करने का एज नंदी जी। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव माय बेस्ट इन दिस। तो ये अच्छा, उनके काफ़ी शेड्यूल पूरा हो चुका है फिल्म की शूटिंग काफ़ी, तो जो शुरुआत का, जब शुरुआत में शूटिंग शुरू हुई और अभी तक, किस तरह का अनुभव रहा आपको, क्योंकि ये गेटअप करना और जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बेसिकली जो डायलॉग पार्ट्स थे, जैसे मूवी के डायलॉग पार्ट्स थे, वो बहुत ही हम लोगों ने सब साथ में रिहर्सल्स किया था एक्टर्स के साथ, तो वो बहुत ईजी था। लेकिन इसका जो एक्शन पार्ट है तो उसमें हमें थोड़े चैलेंजेस फेस करने मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह से हम, मैं और मेरा इको एक्टर अभिजीत, ये मेन विलन कर रहा है इस मूवी में। मेरा नाम अभिजीत सिंह यादव है। सुनील सर के साथ हम लोग लास्ट 11 ईयर से हैं, और हम लोग थिएटर से हैं बेसिकली। जैसा सुनील सर ने ऑलरेडी, उन्होंने काफ़ी थिएटर प्ले वगैरह किए हुए हैं और मूवीज़ भी डायरेक्ट की हुई हैं। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जैसा अपूर्वा ने बोला कि आज तक नंदी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना नहीं है सुपर हीरो, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो नंदी एक्चुअल में सुपर हीरो है क्योंकि वो शिव जी के वाहक हैं, और उनको हमेशा कॉमेडी टाइप के बना के प्रेजेंट किया गया है, जबकि ऐसा है नहीं, इज़ अ वॉरियर। और ये जो पिक्चर का टेक्सचर है, काफ़ी कुछ आपको सुनील सर ने बताया होगा, हम लोग प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं और इसे एक्चुअल प्रेजेंट किया जाएगा 3D टाइप एनिमेटेड मूवी। फर्स्ट प्रोजेक्ट है, उनका कंसेप्ट सुन के मुझे बहुत पसंद आया कि एक यूनिक कंसेप्ट है ये, मतलब हम रियल रियल ह्यूमन बींग को शूट कर रहे हैं और उसको एनिमेट करेंगे, ये कि वर्ल्ड में फर्स्ट है। और एज एन सिनेमाटोग्राफर ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा कि कैसे, मतलब जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसको हम कैसे आर्टिफिशियली शूट करके उसको बाद में पोस्ट में वो बैकग्राउंड डालेंगे, उस हिसाब से लाइटिंग करेंगे, वो थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन काम करके उनके साथ बहुत मज़ा आया, वो भी बहुत टैलेंटेड है। पहले मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया, उड़ीसा फिल्म इंस्टीट्यूट, बीजू पन्ना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद मैंने कबीर जी को असिस्ट किया, कबीर लाल जो DOP है, वो बॉलीवुड का फिल्म ताल के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था, उनको असिस्ट किया था। उसके बाद मैंने पोरस किया था, उसके बाद मैंने ये किया था जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भी थोड़ा देर काम किया। तो इंडिपेंडेंट में मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट है, एक फिल्म आर्ट फिल्म किया था, इसके बाद ये एनिमेशन फिल्म है, मेरा फर्स्ट फिल्म है। हाय, माय नेम इज़ संजना देशमुख, और मैं इस फिल्म में किरबेता नाम का एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और इस फिल्म में मैं पहली बार सुनील सर के साथ काम कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत नया कॉन्सेप्ट है, मैंने इससे पहले ऐसा कभी काम किया नहीं था, इसलिए बहुत मज़ा भी आ रहा है। एक्शन सीन्स है, ऑब्वियसली जब एक्शन सीन्स बोलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। माई नेम इज़ पृथ्वी केसरी, एंड बेसिकली आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ सैम इन द मूवी। सैम जो है वो लीड, मतलब हमारे जो नंदी है उसका ही फ्रेंड बना रहता है, और जो बहुत ही विद गुड डीड्स एंड विद गुड इंटेंशंस नंदी से जुड़ा हुआ है, आनंद से जुड़ा हुआ है,
थ्रू आउट द मूवी वो उसके साथ रहता है, उसे पर्टिकुलर जगहों पे उसकी हेल्प करते रहता है, जहाँ पे सैम मतलब जहाँ पे आनंद फंस जाता है किन्हीं चीज़ों में, तो सैम आता है उसे रेस्क्यू करने के लिए कि मेरे पास ये एक गैजेट है, वो एक गैजेट है। तो काइंड ऑफ गीकी काइंड ऑफ पर्सन है, टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है उसे, और टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ नया नया इनोवेशन करते रहता है, और वो सारी चीज़ें सैम को देते रहता है ताकि सारी चीज़ें आनंद को देते रहता है ताकि आनंद को हेल्प मिल सके उसके मिशन में। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।